बनवाना, कॉन्ट्रैक्ट बनवाना, अग्रीमेंट बनवाना, बालाजी के नाम पे अग्रीमेंट बना करके आपको दे देंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा किसका अग्रीमेंट है। बालाजी से खुद एकता कपूर ने भी कई बार ट्वीट किया है कि मेरे नाम पे बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो इस चीज से सावधान रहना सब लोग। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हमारे ग्रुप में कोई भी मैसेज आता है तो कई सारी चीजें मैं फिल्टर करके उसमें डालता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा नंबर जो है बदलते रहते, क्योंकि उनका काम ही यही है, उनका पेशा यही है फ्रॉड करना। तो आज कोई और नंबर ले लिया, कल कोई और नंबर ले लिया, फिर कोई और नंबर ले लिया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको फिल्टर करना। इसलिए खुद एक्टिव रहो, खुद अलर्ट रहो, खुद को पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किन लोगों से ताल्लुक रखना है और किन लोगों से नहीं रखना है। और क्योंकि आप लोग में से कई सारे लोग जो हैं ऑलरेडी ऑडिशन ग्रुप में कई महीनों से जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा वक्त आप लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन्स होंगे आपके दिमाग में जो आप पूछना चाहते होंगे। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए है, कोई भी अगर आपके दिमाग में थॉट है ऑडिशन को लेके, ऑडिशन प्रोसेस को लेके, काम को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, तो आप लोग पूछ सकते हो। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने एक सेशन उनके लिए रखूं जो ऑडिशन ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो एक्टिंग क्लास नहीं करते। जो एक्टिंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो डेली बेसिस पे होता है क्लासेस, वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो ऑडिशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिनसे मेरा कॉन्टेक्ट नहीं होता, सिर्फ ऑडिशन अपडेट्स मिलते हैं, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आज का सेशन स्पेशली आपके लिए। हाँ अक्रम बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने अब तक तकरीबन 150-200 ऑडिशन में अप्लाई किया है, तो सबको अपने जो है अपना इंट्रोडक्शन क्लिप वगैरह भेजी है, ऑडिशन क्लिप और जो है अपने पिक्स वगैरह भेजे हैं, तो 10-5 जगह से रिप्लाई आए, तो वो अपना वही मनी को लेकर के अपना थे कि आपका जो है पोर्टफोलियो नहीं बनावा, पोर्टफोलियो बनवा देंगे हम आपका, और आपका आर्टिस्ट कार्ड, या फिर जो है 2-3 महीने का हम आपको जो है पूरी तरीके से जो भी हमारा सूट हो उसमें लेंगे हम आपको, तो वहीं से मैसेज आया। लेकिन कहीं से भी मतलब जो मतलब ठीक ठाक मेरे को लगा, तो वहां से मतलब कहीं से रिप्लाई नहीं आया अभी तक, मतलब सिर्फ जहां से आया नहीं आया। ये बहुत बड़ा, हाँ ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है कि रिप्लाई नहीं आ रहा। इसको ना दो अलग अलग पहलुओं में समझेंगे, ठीक है, सभी के लिए। ये क्वेश्चन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए आंसर मैं दे रहा हूँ। जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडिशन ग्रुप के हैं, सबको मैं एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो पहलुओं में इसको डिवाइड करो। सबसे पहला कि आप क्या जो अप्लाई कर रहे हो उसके लिए सुटेबल हो, और क्या आप उतने ट्रेंड हो, क्या आप उतने स्किल्ड हो कि उस ऑडिशन को आप क्रॉस कर पाओ। सबसे पहले इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात, आपने सही जगह अप्लाई किया या नहीं किया। आपका जो एज ग्रुप है उसमें आपने एग्जैक्टली उसी एज ग्रुप में अप्लाई किया है। जैसे कई सारे ऑडिशन आते हैं, 20 साल का लड़का चाहिए, अप मार्केट चाहिए, या गांव का रहने वाला होना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, हर ऑडिशन अपडेट में क्लियरली लिखा होता है, मेंशनड होता है। प्लस उसमें कई बार जहां पे मेल करना होता है आपको, वहां पे स्पेशली लिखा होता है कि सब्जेक्ट लाइन ये होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन। कभी नोटिस किया आपने? हमेशा लिखा होता है सब्जेक्ट लाइन। तो आपको, हाँ, सबसे पहली बात आपको सब्जेक्ट लाइन सही लिखना है। अगर आप सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखोगे और ऐसे मेल कर दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, जो फोटोज आप भेज रहे हो, जो भी आप अपनी फोटोज भेज रहे हो, विदाउट एडिटिंग वाली होनी चाहिए, नॉर्मल पिक्चर्स होनी चाहिए, और जो कैरेक्टर की डिमांड है, जैसा भी कैरेक्टर है, समझो अक्रम? यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ, जैसा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब के पिक्चर्स भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो। अभी मान लो बोला हुआ है कि एक बिजनेसमैन चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप ब्लेजर में, फॉर्मल्स में भेजेंगे फोटोज। आप वैसा फोटो भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं? अगर कैरेक्टर है एक ऑटो वाले का और आप भेज रहे हैं ब्लेजर के साथ फोटोज, तो कहीं पे भी मैच नहीं हो रही है चीजें, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपको पहचानता नहीं है, वो आपको सिर्फ एक ही बार देखेगा, आपकी फोटो को देखेगा और अजम्पशन कर लेगा कि भाई ये किसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मुझे कोई गरीब दिखने वाला आदमी चाहिए और मैं फोटोज भेज रहा हूँ बहुत हाई प्रोफाइल वाली, तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रिजेक्टेड है।
अगर मुझे प्रोफाइल चाहिए हाई प्रोफाइल वाला बिजनेसमैन चाहिए और आप भेज रहे हैं नॉर्मल शर्ट पैंट में या टी शर्ट में, वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। ये हो गया बात फोटोज की। अब बात करते हैं ऑडिशन वीडियो की। ऑडिशन वीडियो आप में से कितने लोगों ने ऑडिशन वीडियो बनाया है पता नहीं, और ऑडिशन वीडियो बनाया भी है तो किस लेवल का है आप खुद जज करो अपने आप को। या कोई ऐसा गुणी आदमी होगा आपके आसपास, कोई ऐसा जानकार आदमी होगा, उसको दिखाओ, उसको बोलो कि सर मेरा वीडियो देखिए आप बताइए कैसा है। कई बार क्या होता है हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन हम उसमें हजारों गलतियां कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें हमको रिप्लाई भी मिल जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। अब सोचो अगर अभिषेक या अग्रम आप सोचो कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो, म्यूजिक एल्बम बना रहे हो या कोई फिल्म बना रहे हो, तो आप किसको कास्ट करोगे? जो परफेक्ट होगा वहां तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना। एक्टर में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तब तो मतलब आपका प्रोजेक्ट खत्म। आप बाकी चीजों में कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, एक्टर में कभी नहीं करोगे। एक्टर आपको परफेक्ट चाहिए, और अगर आपके पास एक्टिंग स्किल्स उस तरह की नहीं हो रही है तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आपको परफेक्ट करते रहो, और जब आप कुछ लायक हो जाओगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। अब इसमें दूसरा पहलू देखते हैं, ये तो पहला पहलू था। दूसरा पहलू होता है कि मान लो आपके ऑडिशन वीडियो भी परफेक्ट है, आपकी फोटोज भी परफेक्ट है और आपके स्किल्स भी अच्छे हैं, आप एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो, लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये दूसरा पहलू। ये ऐसा क्यों होता है? वो ये होता है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने 300 ऑडिशन में अप्लाई कर लिया, लेकिन दूसरा पहलू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप अप्लाई भी कर रहे हैं वहां पे भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा कि भाई मुझे क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा, या मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, या मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, ये सब मुझे कब रिप्लाई मिलेगा, उसकी एक बात आप सिंपल से ये समझ लीजिए, एक रेशियो होता है। आप अगर 100 ऑडिशंस देंगे, इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूं, पहले एक साल या दो साल में जब आप 100 ऑडिशंस देंगे तो 5 से 6 जगह से रिप्लाई आना चाहिए। आप रिप्लाई आना चाहिए मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, रिप्लाई आना चाहिए मतलब आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा 5 जगह से अप्रोक्सीमेटली एवरेज। वहां पे आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी कि सर आपका प्रोफाइल हमने शॉर्टलिस्ट किया है, आप एक काम करिए, एक कैरेक्टर है जो इस तरीके का कैरेक्टर है और आपको मैं लाइंस भेज रहा हूं या भेज रही हूं, आप उसको परफॉर्म करके मुझे वीडियो भेजिए। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि 5 लोग जो हैं कम से कम आपको रिप्लाई कर रहे हैं 100 में से, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्किल्स है। समझ रहे हो? आज फंडा ये क्लियर कर लो अपना। अगर 100 ऑडिशंस भेज रहे हो जेन्युइन लोगों को, वो फ्रॉड वाले नहीं जो बीच में आते हैं आर्टिस्ट कार्ड वो सब हटा दो, 100 लोगों को अगर आप भेज रहे हो अलग अलग लोगों को, और उनमें से आपके पास 4 या 5 रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। तो सर जहाँ पे डायरेक्ट ऑडिशन होते हैं वहां पे जाके हम लोग दे सकते हैं क्या ऑडिशन डायरेक्टली? ये डायरेक्ट ऑडिशन ही है, ये जो ये नंबर आपको मिले हैं ये डायरेक्ट ही हैं, ये उसी कास्टिंग डायरेक्टर के हैं जो पहले लाइन में लगा करके सबको ऑडिशन लिया करता था, आज वो ऑनलाइन ले रहा है। ये वही कास्टिंग डायरेक्टर है, ये वही कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है जो आपका ऑडिशन ले रहा है। फर्क है कि माध्यम बदल गया है और आने वाले कई महीनों तक ऐसा ही चलेगा। आने वाले बहुत सारे महीनों तक ऑडिशन जो है वो सारे ऑनलाइन ही होंगे। अब कोई ऑफलाइन का सिस्टम खत्म हो गया पूरा, कोई भी नहीं लेगा इस तरीके से। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना वो, इसलिए शायद टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा है कि अभी ये कोरोना का कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब तक रहेगा, कैसा सिचुएशन होगा। हालांकि मुंबई चालू हो गई है, शूटिंग चालू है, लेकिन ये ऑडिशन का प्रोसेस अब इसको टाइम लगेगा। तो दो पहलू मैंने आपको समझाए, दो पहलू मैंने आपको समझाए, उसको एक बार ध्यान से आप समझ लो। सबसे पहला कि आपके अगर पिक्चर्स मैच नहीं होते प्रोफाइल से, या आपके ऑडिशन वीडियो प्रोफाइल से मैच नहीं होते और आप जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं तो आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। आप एक एक ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगा कि कोई ऐसा ऑडिशन है जहां पे मुझे एक ऑटो वाले का कैरेक्टर करना है, तो कोशिश करिए आपके वीडियोस और आपके फोटोज वैसे ही ऑटो वाले से मैच करने चाहिए। मेहनत करिए, ये नहीं कि हमारे पास पड़े हुए हैं पिक्चर्स उठा के भेज दिए, वीडियो पड़ा हुआ है उठा के भेज दिया, ये नहीं। आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा।
अगर मैं पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है कि एक फॉर्मल शर्ट पहनना है और मुझे पुलिस वाला लगना है, एक पैंट पहननी है, एक फॉर्मल शर्ट पहनना है और उस तरीके के बाल बनाने हैं, बालों में जेल जान लगाना है, लगाओ, आपको अपना लुक वैसा रखना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आपको चाहिए रिप्लाई तो, अदरवाइज भेजते रहो। इसके लिए पोर्टफोलियो बनवाना जरूरी है सर? इसके लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं अक्रम, बहुत, मेरे चैनल पे जाओगे हर जगह पे मैंने बात की है, पोर्टफोलियो की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो लुक होगा, लुक से मिलता जुलता फोटो भेजो, वही पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं, आप अपना रिज्यूम बनाते हैं, उसी तरीके से जब आप काम मांगते हैं किसी से तो वो आपका रिज्यूम है। अगर ऑटो वाले का चाहिए तो ऑटो वाले जैसा गरीब आपको लगना पड़ेगा, उनके उनके जैसा कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा, प्लेन शर्ट पहनिए, इन मत करिए, शर्ट को बाहर निकाल लीजिए, ऑब्जर्व तो किया होगा कभी किसी ऑटो वाले को, उसी तरीके के बाल बना लीजिए, वैसे फोटो भेजिए, वो आपका पोर्टफोलियो है, उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं सर। उसके लिए 30,000 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने किसी दोस्त को बोल दो, वो आपकी फोटोज खींच देगा, कहीं बाहर चले जाओ गार्डन में, वहां पे फोटोज ले लो अपनी, थोड़ी अच्छी फोटोज लेना, अलग अलग पोजेस में, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, अलग अलग फीलिंग के साथ, आपका काम हो जाएगा। हाँ नीलेश बोलो। सर हम लोग जो ऑडिशन के मेल भेजते हैं तो वो लोग सबके सब मेल देखते हैं क्या? सब देखते हैं, सब। अच्छा, सब। ओके। हो सकता है कि मान लो अभी कोई जैसे मुकेश छाबड़ा या श्रुति महाजन, ये जो इस तरह के बड़े बड़े जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इनके पास हजारों की तादाद में मेल आते हैं, हो सकता है आपने आज भेजा हो, आपके जैसे हजारों लोगों ने और भी भेजा हो, लेकिन उनका काम 100 मेल में हो गया तो आगे की मेल चेक नहीं करेंगे आज, लेकिन आगे फ्यूचर में उनको जब भी जरूरत होगी, जैसे वो खाली होंगे तो आपका मेल जरूर चेक करेंगे, आपके जो भी फोटोज होंगे वो जरूर निकालेंगे और सेव करेंगे अपने डेटा में। आपने अगर उनको एक बार मेल कर दिया तो आपका डेटा उनके पास सेव्ड है, वो आज नहीं तो कल आपको हमेशा कभी ना कभी रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, पक्की बात है। इसका मतलब है कि हमें भेजना है तो गुड कंटेंट ही भेजना है, ऐसे कुछ भी नहीं भेज देना है। हाँ, ऐसे कुछ भी रैंडम कचरा मत भेजो, आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करो हर चीज के पीछे। हाँ, हर चीज के पीछे थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा काम करो और फिर भेजो। हमारे पास 10 फोटो पड़ी है, उसको उठा के भेज दिया, इस तरह के काम मत करो। अगर मान लो कि कोई डॉक्टर का कैरेक्टर है तो बिहेव लाइक अ डॉक्टर, एक चश्मा पहन लो, गले में कुछ रख लो, एक उस तरह का व्हाइट शर्ट पहन लो, जितना आप अपने आप को डॉक्टर महसूस करोगे उतना ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर आपसे रिलेट करेगा, वो समझेगा कि हाँ भाई ये पैशनेट है, ये इसके अंदर पैशन है, ये थोड़ी मेहनत कर रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। अब सोचो आपने भी एक टी शर्ट में बना दी वीडियो, इस तरीके से 100 लोगों ने टी शर्ट में वीडियो बनाई है और कैरेक्टर है डॉक्टर का, अब 100 में से वो मुझे एक अलग दिखाई देगा ना, जिसने शर्ट पहनी होगी व्हाइट कलर की और जिसने गले में कुछ रखा होगा, तो मेरा फोकस किस पे रहेगा ज्यादा, उस पे जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, उस पे जिसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया। सर, तो बड़ा आसान है ना, फोन उठाया और वीडियो बना के भेज दिया, ऐसे तो कोई भी कर लेता है। ऐसे बहुत लोग आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे, वो लोग इंटरव्यू में जाते थे तो 4-5 ड्रेसेस लेके जाते थे साथ में, तो कोई कैरेक्टर लोग होता तो वो ड्रेस पहन के इंटरव्यू देते थे ऐसे। तो जब आप ऑडिशन के लिए फिजिकली जाते हैं तो वहां पे 4-5 चीजें लेके जाते हैं, तो उस तरीके से जब आप घर से बना रहे हैं ऑडिशन वीडियो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए।